अपनी इस वीडियो में आपको आदि अनादि शब्द ओम के दर्शन कराऊंगी। गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग सिद्धि वैभव। आज मैं आपको ओम पर्वत के दर्शन कराऊंगी। ओम पर्वत जाने के लिए आपको उत्तराखंड के धारचूला तक आना पड़ेगा, फिर आप तवाघाट बूंदी गुंजी से व्यास घाटी पे आएंगे। अभी मैं व्यास घाटी पे खड़ी हूँ। यहाँ से एक रोड आदि कैलाश को जाती है और एक रोड ओम पर्वत को जाती है। ओम पर्वत 20 किलोमीटर है। ओम पर्वत जाते समय आपको एक गांव मिलेगा जो है गुंजी। यहाँ देखिए सभी लोगों ने अपने घरों को होम स्टे में बदल दिया है। मेरे को तो कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। और वहाँ आगे देखिए पहाड़, और ये पहाड़ पूरा देवदार के पेड़ों से, और ये देखिए देवदार का जंगल पूरा पहाड़ देवदार के पेड़ों से भरा है। और आगे देखिए बर्फ के पहाड़। ये सब देख के तो मेरा मन बाग बाग हो गया। ओम पर्वत जाते समय आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। ये आप बर्फ का ढेर देख रहे हैं, ये ग्लेशियर है। जब ठंड काफी बढ़ जाती है तो बर्फ जम जाती है और ये ग्लेशियर कहलाती है। अभी हम गुंजी से करीब 9 किलोमीटर आगे हैं और यहाँ पे हमें एक जगह मिली जो है काली माता मंदिर। और नीचे देखिए गाइस काली नदी बह रही है, और नीचे देखिए काली नदी बह रही है। इसका उद्गम काली माता मंदिर से ही है। आइए मैं आपको काली माता मंदिर के दर्शन कराती हूँ। बहुत ठंडा पानी, मेरे तो पैर ही लकड़ी गए। काली माता का यह मंदिर पहले नेपाल क्षेत्र में आता था। भारत की सरकार ने नेपाल के महाराजाओं से समझौता करके इसे भारत में लिया। के बदले भारत सरकार ने नेपाल को महेंद्र नगर में काफी जमीन दी। ये क्षेत्र भारत में ही आता है और यहाँ से काली नदी का ही उद्गम है। अंदर एक छोटा सा कुंड है, वहीं से काली नदी का उद्गम है। जय काली कंकाल मालिनी, जय मंगला महाकपालिनी, रक्त बीज मदगानिनी, सद्भक्त जनन की सुखदाता, शिरोमालिका भूषितं, जय काली जय मध्य मदन। ये काला पानी चेक पोस्ट है। यहाँ से ओम पर्वत 10 किलोमीटर है। और यहाँ के देखिए बर्फीले पहाड़ और यहाँ की सुंदर सी वैली। ओम पर्वत क्लाउड से ढकने वाला है। हम राइट टाइम पे पहुंचे हैं यहाँ। इसके बाद और ये बर्फीले पहाड़ देखिए और ये वैली कितनी शानदार लग रही है।
का बेस कैंप भी है।